आज हम एकदम रुई जैसा सॉफ्ट केक बनाने वाले हैं, वो भी बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा के। बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसे बनाने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम इसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए हैं वो आसानी से हमारे घर पर मिल जाती हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। जिस भी बर्तन में आप केक बनाना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चारों तरफ अच्छे से, और सूखा आटा लेकर ऐसे फैला लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसकी जगह आप बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम केक कढ़ाई में बेक करने वाले हैं, तो कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप गैस का स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम केक बनाने के लिए यहाँ पर 1/4 कप हमने ऑयल लिया है और 1/3 कप लिया है दही। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स करना है इसे। और उसके बाद अब हम इसमें 1 कप डालेंगे पाउडर्ड शुगर, चीनी डालेंगे जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था ताकि ये आसानी से घुल जाए। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से नहीं घुल जाती तब तक हमें इसे मिलाना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध, क्योंकि हमने दही ऑलरेडी डाल दिया है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से जो हमारा केक है उसमें थोड़ा और अच्छा सॉफ्टनेस आती है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, मैदा को छान कर लेना है। और उसके बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है। और जैसे ही मैदा अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट्स, वो है इनो। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच इनो। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिंच ऑफ नमक डाला था, तो अब हम इनो में थोड़ा सा हमने दूध डाला है ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फटाफट हमें ये काम करना है, 30 सेकेंड में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और मोल्ड जो हमने पहले से रेडी करके रखा था उसमें डाल देना है। इसीलिए हमें मोल्ड पहले से रेडी करके रख लेना है और कढ़ाई को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख देना है। और जल्दी से हम इसमें जो हमने इनो डाला है उसे डालकर मिक्स करेंगे, मोल्ड में डालेंगे। और ऊपर हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं कट करके, ये ऑप्शनल हैं, इससे थोड़ा सा और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हमने जो कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी थी उसे हम रखेंगे, उस पर ही रख देंगे अपना केक और 30 से 40 मिनट तक इसे बेक होने देंगे। 40 मिनट के बाद आप देखेंगे कि केक हमारा कितने अच्छे से बेक हो गया है। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर से ही दिखने लगता है कि अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा करें तब इसमें हम एक कपड़ा ढक देंगे ताकि इसमें मॉइस्चराइज़र बना रहे। और जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हम चारों तरफ चाकू को घुमाएंगे और ये आसानी से केक निकल जाएगा। और आप देखेंगे कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से केक बन गया है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एकदम साधारण सी सिंपल सी रेसिपी थी केक बनाने की, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।